हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे आपने इतना रिकमेंड किया कि भाई ये वाला तो देखना बनता है, तो भाई कि बनता है तो डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि हमें वैसे इनकी सारी जो वीडियोस अभी तक देखी हैं बड़ी मजेदार लगी हैं। तो जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है मौका मौका, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उनका जो सॉन्ग है। तो शुरू करते ये वीडियो, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पता है आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे ऐसे मजेदार वीडियोस उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज दर पे चल के आया है मौका, कौन बे सुनने का अरमान दिल में ही फूटा, ओ रब्बा कब आएगा तेरा मौका। टिका भी नहीं रे गुमाने सिकंदर का, सिकंदर बोल रहा है, सूरमा है अगर तू दुनिया पे छाके दिखा। सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकरा, क्या था बे? ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो फ्रेंड्स, मजेदार था ना? अगर आपने पहली बार ही देखा है तो आपको काफी इंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि मैंने तो बहुत इंजॉय किया। जिस तरह से उन्होंने दिखाया शुरुआत की, बड़े मजेदार थी, वो दिखाया कि अब पाकिस्तान के साथ पटाखे लेके जा रहे, नोट किया था पटाखे कि हम जीतेंगे, कि पहले से पटाखे लिए हुए हैं और वहां से ऊपर से हमारे इंडिया के पास प्लेयर्स हैं और वो शुरू हुए और बड़ा अच्छा, मतलब कवाली स्टाइल में इन्होंने किया है। और उसके बाद सबसे अमेजिंग था कि पहले पाकिस्तान को दिखाया, फिर धीरे धीरे और प्लेयर्स सारी डिफरेंट कंट्रीज के आ गए, तो उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सभी वहां पे थे और वो सब एक साइड और बेचारा इंडिया एक साइड। तो उसमें एंड में उन्होंने ये बोला भी था वर्ल्ड वर्सेस इंडिया, तो काफी अच्छा था और बहुत लाइट हार्टेड वे से उन्होंने ये दिखाया कि चैंपियनशिप होने वाली है वर्ल्ड कप की और सारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो खेलेंगी वो एक दूसरे के साथ जो है वो गाने में लगी हुई है कि भैया देखते हैं कौन जीतता है। और बड़ा अच्छा बनाया था, जो वो है ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छे एक्टर है वो, और मैं तो उनको देखती, मैंने कहा अरे वाह ये है तो बड़े ही कमाल का ही बनेगा, और वही था। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, सब किया है, जान डाल दी इस एड के अंदर, तो मजा आया देखने में। बस थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा और बड़ा करते तो और मजा आता, पर बहुत ही अच्छा था। क्या वे है प्रमोट करने का। राइट, सो काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी, मतलब गाना था या एड थी जो भी था, और काफी मजेदार था, काफी इंटेंस था, काफी बैक एंड फोर्थ जैसे कवालियों में होता है, कोई एक बंदा एक पॉइंट बोलता है, वो दूसरा पॉइंट बोलता है, तो एक दूसरे के लिए। और साथ में वो जो मेन ओल्डर एक्टर थे, डेफिनेटली वो मूवीज में भी आते हैं, उनकी एक्टिंग जबरदस्त, बहुत अच्छी होती, जान डाल देते हैं, जान डाल देते, गिर गए, उठ गए, कूद रहे हैं नीचे और फिर क्या हुआ, तो मतलब जिस तरह से रोक के पूछे, बहुत ही अमेजिंग। तो ऑफकोर्स एक एक्सपीरियंस एक्टर है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और गाने को जबरदस्त किया और दिखाया इंडिया को, इंडिया स्ट्रांग है। बाद में जैसे पहनते हैं सिर पे पट्टी की, अब मैं फाइट के लिए रेडी हूँ, तो पगड़ी टाइप थी, हाँ मतलब जो भी पट्टी बांध के रेडी होता है बंदा फाइटिंग के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा था। ऑफ कोर्स अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितनी पुरानी एड है, काफी पुरानी है मेरे, कब आई थी, मगर इससे यही था कि लोगों को
कंपेरेटिव फीलिंग में लाने के लिए कि कंपटीशन आ रहा है, लोग फीलिंग में आते हैं, उनको लगता है कि हम हमारी कंट्री जीते, और स्पेशली जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। 90% लोग तो क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैंने ये नोटिस किया था कि आप अगर आप ज़्यादा एक्साइट नहीं हो पाते उन गेमों के बारे में जिन्हों जो आपने खेली नहीं है, वो आपको तब पता लगता है जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं। जब इंडिया से बाहर जाते हैं आप यहाँ पे फुटबॉल की गेम्स देखते हैं, यहाँ के लोग बड़े पैशनेट हो रहे होते हैं, बेसबॉल की गेम देखते हैं बड़े पैशनेट, मगर आप जबकि कोशिश करते हैं फॉलो करने की, मगर आप पैशनेट नहीं हो पाते क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में वो गेम नहीं खेली। आपको नहीं पता बेस, अभी आपको पता है किस तरह से बेसबॉल खेल, मगर आपने खुद नहीं खेली तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि जो उस बंदे ने किया कि वो बहुत डिफिकल्ट था। अगर फुटबॉल में मतलब यहाँ पे जो फुटबॉल है जिसको आप कह सकते हैं वो सॉकर नहीं, मतलब अमेरिकन फुटबॉल जो रग्बी की तरह है वो खेलते हैं, तो आपको भी लोग बड़े चिल्लाते हैं और आपको लगता है हाँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर आप वो एक्सपीरियंस नहीं आता क्योंकि आपने कभी वो जैसे क्रिकेट देखने में एक्सपीरियंस नहीं किया। क्रिकेट खेलने में जो हमें मजा आता है क्योंकि हमें पता है कि वो शॉट कितना डिफिकल्ट होगा, वो फील्डर कहाँ से कहाँ भाग के आया है, कि वो कैच लेनी कितनी डिफिकल्ट है, वो LBW क्यों है, मतलब सारी टेक्निकल, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में वो फेस किया है तो आपको पता है कि कितनी तेज़ी से बॉल आती है और कैसे आप हिट कर रहे हैं और कब आपने तुक्के से हिट किया आपको पता नहीं चला, वो सब क्योंकि आपके साथ खुद हुआ है तो आप रिलेट कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। मगर मैं जब भी क्रिकेट की बात आती है बोलता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त गेम है, बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स थी वो हटा दी हैं। प्रॉब्लम्स आप कहोगे कौन सी, टेस्ट क्रिकेट की कि दिन चलते जा रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, वन डे क्रिकेट भी बाद में बड़ा लगने लगा कि पूरा दिन बैठिए, और IPL में अगर 3 घंटे में बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, दैट सेम एज आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देखने के बदले IPL का मैच देखिए 3 घंटे में खत्म हो गया, सिमिलर टू एनी अमेरिकन गेम जिसमें लोग स्टेडियम जाते हैं 4 घंटे बाद बाहर निकलते हैं, जैसे कॉन्सर्ट होता है कॉन्सर्ट, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड टाइम है 3 घंटे का, मूवी भी कभी वही टाइम है, बंदा लोग बोलेंगे मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, दूसरा बंदा बोलेगा मैं गेम देखने जा रहा हूँ, सिर्फ ये स्टेडियम में आने जाने में थोड़ा और समय लग जाता है, पार्किंग वगैरह ट्रैफिक, मगर फिर भी जो है आप विटनेस कर सकते हैं, आपको खुशी मिलती है और उससे इकॉनमी बूस्ट होती है, मतलब कितने देखिए आप पैसा स्पेंड करें वो पैसा अच्छी जगहों पे लग रहा है, वो बात अलग है कि प्लेयर्स को मिलेगा मगर स्टेडियम को मिलता है, इकॉनमी बूस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को बनता है, जो जो सामान खरीदते हैं आप वो खरीदते हैं, मतलब खाने वाले लोग होते हैं, कितने बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो डिपेंडेंट है, इसी पर मार्केटिंग का बिजनेस है, मतलब अगर आप वाकई कोई सप्लाई चेन बनाते हैं तो आपको नजर आएगा कितने सारे बिजनेसेस बेनिफिट करते हैं इस इन गेम्स से, तो इकॉनमी बूस्ट होती है विच इज़ वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी। मेरा सिर्फ ये होता है कि इंडिया को मैं एज होल कहता हूँ कि क्रिकेट बहुत अच्छी बात है परंतु और गेम्स भी इंडिया को बेटर करना चाहिए जिससे ओलंपिक्स में शर्मिंदगी ना हो कि 1.3 बिलियन पीपल हमारी आबादी है और अगर आप ओलंपिक्स में जब खेलते हैं और रिजल्ट आते हैं 4-5 गोल्ड मेडल्स, वो भी मैं ज़्यादा बढ़ चला के बोल रहा हूँ, तो उतने भी आ जाए तो भी आपको लगता है इतनी बड़ी आबादी है तो क्यों उतने कम, इसलिए नहीं आते कम क्योंकि एबिलिटी नहीं है, इसलिए है कि लोग फोकस नहीं कर रहे उन गेम्स के ऊपर, सारा फोकस जो है सिर्फ क्रिकेट पे ही है। अच्छी बात है क्रिकेट पे, और मैं तो कहूँगा कि क्रिकेट को ओलंपिक गेम बनाना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ तो एक गोल्ड मेडल पक्का हो जाए, तो वहाँ एक गोल्ड मेडल पक्का हो गया, और इंडिया को और स्पोर्ट्स भी खेलने चाहिए जिससे हर बच्चे के पास वैरायटी हो। अब ऐसा नहीं हो कि आपके बच्चे को बोले कि अरे मेरे पास एक ही बस क्रिकेट ही फील्ड है, नहीं, बहुत सारी गेम्स होनी चाहिए जिसमें आप गोल्ड मेडल जीत रहे हो, तो बच्चा कहेगा, आपके बच्चे यंगस्टर्स कहेंगे अच्छा मेरे बहुत सारी ऑप्शन है, अगर ये नहीं है तो मैं इसमें जा सकता हूँ। खुद के लिए हमारे लिए बेटर है, हमारी जनरेशन के लिए बेटर है कि बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शन हो और खुल रही हैं। अब लड़कियां कह भी सकती हैं मैं जिमनास्टिक में जा सकती हूँ, वो जो दीदी थी वो एटलीस्ट गोल्ड तक ले गई, ठीक है जीती नहीं मगर वो है, तो मैं जिमनास्टिक्स कर सकती हूँ, और बहुत बच्चे बोल सकते हैं शूटिंग कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, थोड़े थोड़े स्पोर्ट्स ओपन अप हो रहे हैं, बस ज़्यादा ओपन होने चाहिए जिससे ओलंपिक्स में हमारा नाम भी हो, हमारी कंट्री का नाम भी हो। अब चाइना को देखते हैं जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं, चाइना ऑलमोस्ट टॉप है ओलंपिक्स में, कितने 50 मेडल 60 मेडल 70 मेडल USA कम्पीट कर रही है और ऑलमोस्ट USA के इक्वल आ गई है, मेरे ख्याल से एक टाइम पे हार भी जाए US तो पता नहीं, उतना हमें लेवल ऑफ एक्सपर्टी चाहिए इंडिया में भी। मगर ये दिस वाज अ वेरी गुड सॉन्ग, नहीं उसमें इसमें सॉन्ग में गान वो क्या था जब वो बोलते हैं
कुछ तो ये बोलते हैं इंडिया से बोलते हैं कि मैं फूंक मार के उसको कैंडल को या किसी को जो है बुझा दूंगा, तो ये जो इस टाइप से था ना वो कुछ बोलते थे, तो फिर हमारे इंडिया से बोला जाता था उसका वो कि हमारे पास उसका भी तोड़ है, तो वो बड़ा मजेदार लगा था। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपने एंजॉय किया होगा और थोड़ी सी हस्बैंड की ज्ञान भी आपको मिल गया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, पर किसी तरह से अब हम लोगों को फोकस करना चाहिए बाकी गेम्स में भी, ताकि जैसे चाइना ओलंपिक्स में टॉप में आ रही है तो इंडिया को भी अब टॉप में आना है। तो होप है कि जल्दी ये पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। मौका मौका, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।